अगर आप होम क्रेडिट से लोन लेना चाहते हैं गाइस, वो भी पर्सनल लोन, तो इस वीडियो को आपको सिर से लेकर लास्ट तक देखना है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और होम क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में पूरी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पूरी डिटेल्स गाइस। तो सबसे पहले आपको जो है गाइस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर भी गाइस अगर आप होम क्रेडिट लिखकर सर्च करोगे तो इस तरह की एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएगी, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी सबसे पहले गाइस अगर इस एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊं, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 4.4 की इस एप्लीकेशंस की रेटिंग है। 4,98,000 से ज्यादा यूजर्स अभी फिलहाल इस एप्लीकेशंस में रिव्यूज दे चुके हैं। उसके साथ में अगर हम इस एप्लीकेशंस के डाउनलोड्स को देखेंगे गाइस, तो 10 मिलियन से ज्यादा यूजर इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर चुके हैं। अगर अबाउट दिस ऐप पर चलेंगे और इस एप्लीकेशंस के बारे में अगर कुछ और डिटेल्स को हम देखेंगे, तो इंस्टेंट लोन ऑनलाइन ये आपको प्रोवाइड करती है विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो होम क्रेडिट इज वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सनल लोन ऐप। यहाँ पर ये आपको जल्दी जो है गाइस पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। अगर इसके लिए एलिजिबल होते हो तो ये आपको 5 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकती है और 100% इसमें गाइस ऑनलाइन प्रोसेस होगी, आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। और अभी गाइस ये एप्लीकेशन अभी 600 से ज्यादा सिटीज में अभी अवेलेबल है यहाँ पर गाइस इंडिया में, तो ये भी काफी बढ़िया बात है गाइस, मतलब काफी ज्यादा सिटीज में ये अभी फिलहाल अवेलेबल है। उसके बाद में अगर और डिटेल्स देखेंगे तो इसके कुछ फीचर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, जैसे कि इंस्टेंट लोन अप्रूवल हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है पर्सनल लोन के लिए और ऑनलाइन ही आपका लोन अप्रूवल भी हो जाएगा। उसके बाद में क्विक डिसबर्सल, आपका जो लोन अमाउंट है वो जल्दी डिसबर्सल भी हो जाएगा अगर आपका लोन अप्रूव्ड होता है तो। उसके बाद में ट्रस्टेड लोन ऐप है ये, होम क्रेडिट इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इंडियन पर्सनल लोन ऐप है यहाँ पर ये, और यहाँ पर 1.6 करोड़ हैप्पी कस्टमर्स अभी फिलहाल इसमें है। और इसमें गए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो कौन कौन से है गाइस, इंस्टेंट लोन ऑनलाइन जस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ऑन योर ऐप, मतलब लोन लेने के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उसके बाद में 100% सेफ एंड सिक्योर है, आपको इजी रीपेमेंट के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पर्सनल लोन फॉर ऑल नीड्स, जो भी हमारी जरूरत होंगी गाइस वो सभी जरूरत के लिए ये हमें लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में यहाँ पर और भी काफी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है, सिर्फ मेन मेन डिटेल्स मैं आपको क्लियर करता हूँ। और जो लोन ये प्रोवाइड करेगी ये इनके ट्रस्टेड RBI लेंडिंग पार्टनर्स के तरफ से करेगी, मतलब ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रस्टेड RBI रजिस्टर्ड NBFC यहाँ पर जो इनके 1.6 करोड़ सेटिस्फाइड कस्टमर है। उसके बाद में इसमें अप्लाई कैसे करना है उसकी प्रोसेस यहाँ पर बता रखी है, इन्जॉय ए सिंपल एंड हैजल फ्री लोन एप्लीकेशन। और प्रोसेस ये जो फ्यू इजी स्टेप्स होंगी इसमें, जो सबसे पहली प्रोसेस है उसमें तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसकी प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में सबमिट ए फ्यू पर्सनल डिटेल्स, आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स अपनी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। उसके बाद में अपलोड योर KYC डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसके बाद में एंजॉय इंस्टेंट अप्रूवल एंड गेट फंड डिसबर्सल डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट, मतलब ये दोनों प्रोसेस होने के बाद में आपका जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्सल हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन उससे पहले आपको कोई अप्रूवल मिलना चाहिए कि आप इस लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है गाइस वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इनका क्राइटेरिया क्या है कि कौन इसमें लोन ले सकता है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस आप यहाँ पर इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद में जो आपकी एज इसमें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 18 ईयर से 60 ईयर के बीच में है, मतलब आपकी एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 ईयर होनी चाहिए, तब आप इसमें लोन ले पाओगे। उसके बाद में लोन अमाउंट कौन कौन ले सकता है, तो सैलरीड पर्सन भी लोन ले सकते हैं और पेंशनर भी लोन ले सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को भी ये लोन प्रोवाइड करती है। तो गाइस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा क्राइटेरिया, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर भी आप आके इजीली चेक कर सकते हो। जो इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आप आके यहाँ पर देख सकते हो इजीली। आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए गाइस एड्रेस का। उसके बाद में आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, यही कुछ डिटेल्स गाइस। लोन अमाउंट के एग्जांपल वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं तो इसे आप इजीली आके देख सकते हो गाइस। इसमें जो कितना APR लगेगा, APR के बारे में अगर हम बात करें तो 20% मिनिमम होगा और 49% जो है यहाँ पर गाइस मैक्सिमम इसमें APR है। जो टेन्यूअर अगर आप देखोगे तो 6 मंथ इसका मिनिमम टेन्यूअर है और 48 मंथ इसका मैक्सिमम टेन्यूअर होने वाला है। प्रोसेसिंग फीस की अगर बात करें तो 2.5% से लेके 5% तक इसमें प्रोसेसिंग फीस लग सकती है।
जो कन्वर्सेशन फीस लगेगी इसमें वो 0 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की इसमें लग सकती है। और यहाँ पर लोन अमाउंट की एग्जांपल प्रोवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ पर आके इनको आप चेक कर सकते हो। कॉन्टेक्ट के लिए कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे कि ईमेल और इनकी एक वेबसाइट भी है गाइस। तो इतनी सारी डिटेल्स गाइस काफी होंगी, काफी डिटेल्स हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में जान चुके हैं। अभी आपको सबसे पहले गाइस इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे होम क्रेडिट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर होम क्रेडिट का मेन इंटरफेस यहाँ पर होगा, इसमें हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद में आपको नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करोगे उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद में सेट योर पिन, टैप ऑन कंटिन्यू टू कन्फर्म सेम पिन। तो यहाँ पर गाइस अभी आपको अपना एक पिन बनाना होगा, क्योंकि जब भी आप होम क्रेडिट एप्लीकेशंस में आओगे तो वो पिन ही आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शंस आने के बाद में आपको नीचे सेट पिन पर क्लिक करना है। सेट पिन पर जैसे ही क्लिक करोगे हमारे सामने दो ऑप्शंस आए हैं, यानी कि सेट योर 4-डिजिट पिन। जो पिन हमें बनाना है वो 4-डिजिट का होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पिन एंटर करना है 4-डिजिट का। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने पिन को कन्फर्म करना है। ये दोनों ही चीज़ें फिलअप करने के बाद में आपको नीचे सेट पिन पर क्लिक कर देना है। तो आपके पिन जो है गाइस सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके सामने कुछ परमिशंस लेगा गाइस, जैसे कि फोन स्टेट, एसएमएस, लोकेशंस, इनके परमिशंस को आपको एक्सेस देना होगा। तो परमिशंस को एक्सेस देने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएगा। और यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे तो 5 लाख तक का पर्सनल लोन मेरे को मिल सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर ए पर्सनल लोन ऑफर। मतलब अभी हम पर्सनल लोन ऑफर के लिए एलिजिबल हैं। हम इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये लोन अमाउंट हमें अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो चेक करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। लोन इन 5 मिनट्स में हमें मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप यहां पर देख सकते हो, पैन, नेट बैंकिंग, आपके पास एड्रेस प्रूफ और जो इंडियन सिटीजन, अबाउ 90 ईयर्स से आपकी एज ज्यादा होनी चाहिए। वहां पर 18 ईयर बता रखा था, यहाँ पर जो है गाइस 90 ईयर बता रखा है। उसके बाद में जो आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम है गाइस वो 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि नीचे इस वाले ऑप्शन पर। अगर आप स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो ये आपसे कुछ डिटेल्स लेगा, फ्यू डिटेल्स। इसमें आपको अपने लोन का पर्पस चूज करना है। इसमें काफी सारे पर्पस प्रोवाइड कर रखे हैं, मेडिकल और यहाँ पर जो है गाइस और भी काफ़ी सारी नीड हमें होती है एजुकेशन के लिए, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद में आपको अपना ऑक्यूपेशन, यानी कि अपना जो है गाइस एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। आप सेल्ड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, ये सारी डिटेल्स आपके सामने प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उनमें से आपको कुछ भी प्रोवाइड करना है जो आप हो गाइस। उसके बाद में आपको अपनी हाउस होल्ड इनकम यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बता रखा है। तो आपकी अगर मंथली इनकम गाइस यहाँ पर जो है गाइस 25,000 से ज़्यादा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद, उसके बाद में आपकी फ्यू डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अभी आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी की रिक्वायरमेंट होगी गाइस। यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की फ्रंट साइड यहाँ पर अपलोड करनी है गाइस। ये दोनों ही चीजें अपलोड करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आप अपना पैन कार्ड जैसे ही अपलोड करके कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। आपका नेम, पैन नंबर, आपका जो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको बस उसे कन्फर्म करना है कि हाँ जो ये डिटेल्स है वो मेरी ही है। तो आपको यहाँ पर नीचे कन्फर्म पर क्लिक करके ये डिटेल्स को कन्फर्म करना है। अभी गाइस यहाँ पर उसके बाद में आपको अपना जो एड्रेस है उसका वेरिफिकेशन करना होगा। तो एड्रेस का वेरिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो आप गाइस यहाँ पर ऑनलाइन KYC के थ्रू कर सकते हो और ऑनलाइन KYC यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस के कर सकते हो। मतलब हम ड्राइविंग लाइसेंस से अपनी जो KYC है उसको कम्प्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अदर KYC ऑप्शन में टेक लॉन्गर देन आधार ऑनलाइन KYC, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं नीचे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा गाइस। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएगा। इसमें अगर आप ऑनलाइन KYC करना चाहते हो डिजी लॉकर के थ्रू, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं क्लिक फोटो ऑफ एड्रेस प्रूफ फिजिकल KYC एट आवर KYC सेंटर रिक्वायरमेंट, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो शायद KYC सेंटर रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो आप ऑनलाइन KYC पर ही क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने जो कंसल्ट देनी है गाइस वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको चेकमार्क पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे कंसल्ट देनी है और ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना है।
उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर फिलअप करने हैं। ये जो कैप्चा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाइस साइड में, यहाँ पर ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। ओटीपी गाइस आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। वो ओटीपी फिलअप करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आप जो है पहले से ही रजिस्टर्ड होंगे गाइस अगर डिजी लॉकर में, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता देगा। और यहाँ पर आपको अपने 6 डिजिट के सिक्योरिटी पिन एंटर करने होंगे जो आपने पहले बनाए होंगे गाइस। अगर वो पिन आपको पता नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हो। अगर पहली बार आए हो तो वो पिन आपको यहीं पर क्रिएट करने की बोलेगा, तो वो पिन आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपसे परमिशन ली जाएगी गाइस कि हम आपका आधार कार्ड का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे येलो वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है और अपने आधार कार्ड का एक्सेस इनको देना होगा, तभी आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी गाइस। उसके बाद में हमारे डॉक्यूमेंट्स को फेच करेंगे ये कि हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं उनको फेच करेंगे। केवाईसी प्रोसेस सब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गाइस अगर आपके पिन कोड पर जो है गाइस ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके बाद में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी यहाँ पर किया था, तो ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट और बैक साइड मेरे को अपलोड करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लेकिन आपका गाइस एड्रेस के पिन कोड पर अगर ये सर्विस अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आपको बस अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। उसके बाद में गाइस जैसे ही आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर दोगे, तो वी आर प्रिपेयरिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू, इसके बाद में हमारे लिए लोन के ऑफर को दिया जाएगा। आपको 2 मिनट वेट करना है, उससे पहले ही आपको लोन का ऑफर मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसके बाद में जो मेरी एप्लीकेशन से वो फिलहाल रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके बाद में आप जिस भी लोन के लिए एलिजिबल रहोगे वो लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद में कुछ और फ्यू डिटेल्स आपसे ले सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, ऑटो डेबिट सिस्टम को आपको ऑन करना हो सकता है, तो ये कुछ प्रोसेस आपको करनी है गाइस बस। और आपका जो लोन है वो इजीली डिसबर्स कर दिया जाएगा, और लोन डिसबर्स होगा तभी गाइस जब आपकी लोन की एप्लीकेशन यहाँ पर जो है गाइस अप्रूवल हो जाएगी। तो इतनी ही प्रोसेस है। अगर इससे आपको लोन नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर काफी सारे वीडियोस मैंने बना रखी है लोन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर गाइस चेक कर सकते हो कि लोन कैसे लेना है अदर एप्लीकेशन में। फिलहाल मेरे को यहाँ पर दोबारा से रीअप्लाई करने के बोला है, वो भी गाइस यहाँ पर 29 दिसंबर 2023 को, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे को दे दिया है। तो अगर इसी तरह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो अदर एप्लीकेशन में ट्राई कीजिए। अगर गाइस यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुई है तो आपको इजीली लोन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर नीचे देखोगे तो कुछ भी ऑफर शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो अगर आप लोन के लिए एलिजिबल रहोगे तो आपको लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।